नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 मई दिन रविवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छठे चरण के तहत बिहार के 8 सीटों पर 55.45% हुआ मतदान। पद्म अवार्ड के लिए केंद्र ने बिहार सरकार से मांगी अनुशंसा। रिमल चक्रवाती तूफान का बिहार में भी हो सकता है असर। बुजुर्ग और महिलाओं को भारतीय रेलवे देता है ये सुविधा। क्या एक गाड़ी पर लगा सकते हैं 2 फास्टैग। आज केकेआर और एसआरएच के बीच आईपीएल फाइनल का होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय वायुसेना के मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर निकाली भर्ती। भारतीय वायुसेना ने मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई के लिए है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट airmainselection.edac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 12वीं में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स से पास होना जरूरी है। इसके अलावा 50% मार्क्स के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा या बीएससी किए गए कैंडिडेट को भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसके अधिसूचना को देखें। छठे चरण के तहत बिहार के 8 सीटों पर 55.45% हुआ मतदान। छठे चरण के तहत बिहार के 8 सीटों पर 25 मई को मतदान समाप्त हो चुके हैं। इनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज के संसदीय सीट शामिल थे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चले। बिहार के सभी 8 सीटों पर 55.45% के करीब में मतदान हुआ है। 2024 की तुलना में यह आंकड़ा 3% कम है। आपको बता दें कि इन सभी सीटों पर कुल 86 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। अब इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका रिजल्ट 4 जून को सामने आएगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने वाला यह शिक्षा केंद्र बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के बीच विक्रमशिला के महावीर की स्थापना करवाई थी, जिसमें 160 बिहार समेत व्याख्यान के लिए कई कक्ष बने थे। इस विश्वविद्यालय को 13वीं शताब्दी तक धर्मपाल के उत्तराधिकारियों का राजकीय संरक्षण मिलता रहा, जिसकी वजह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता रहा। लेकिन आगे चलकर बख्तियार खलजी नामक आक्रमणकारी ने इस पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया। यदि आप भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं तो यहां आ सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नए तटबंध बनाने की चल रही तैयारी। उत्तर बिहार में हर साल लोग बाढ़ का सामना करते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नए तटबंधों के निर्माण की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक 718 किलोमीटर में नए तटबंध के निर्माण करवाए जाएंगे। 718 किलोमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस तटबंध से 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से राहत मिलेगी। इन तटबंधों के निर्माण में 19.96 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य का लगभग 27.5% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। इसमें सबसे अधिक बाढ़ उत्तरी बिहार में आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रस्त इलाके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और खगड़िया शामिल है। पद्म अवार्ड के लिए केंद्र ने बिहार सरकार से मांगी अनुशंसा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से मांगे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 15 सितंबर तक हर हाल में अपनी अनुशंसा मुहैया करवाएं। आपको बता दें कि पद्म अवार्ड नागरिक पुरस्कार है, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, सामाजिक कार्य, शिक्षा, नृत्य, कला, संस्कृति, खेल, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य समेत अन्य कई उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। क्या एक गाड़ी पर लगा सकते हैं 2 फास्टैग। फास्टैग से जुड़े नियम कार ड्राइव करने वालों को पता होना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि सड़कों पर चलने वाली लगभग सभी गाड़ियों में फास्टैग के स्टिकर लगे होते हैं। अगर जिन गाड़ियों में फास्टैग के स्टिकर नहीं लगे होंगे तो एनएच पर टोल बूथ से 2 गुना टोल टैक्स आपसे वसूले जाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक गाड़ी पर एक साथ 2 फास्टैग लगाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश में अब तक 1 व्हीकल 1 फास्टैग लागू हो चुका है। जो भी लोग एक से ज्यादा फास्टैग इस्तेमाल करेंगे उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। नए नियम के तहत एक व्हीकल पर एक ही फास्टैग एक्टिव रहेगा। बिहार के इन शहरों में अब 3 दिन पहले पता चलेगी हवा की गुणवत्ता।
हवा की गुणवत्ता के पूर्वानुमान करने की तैयारी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जुटा हुआ है। अब 72 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि हवा की गुणवत्ता कैसी है। बिहार की राजधानी पटना में हवा की गुणवत्ता के पूर्वानुमान को जानने की सुविधा शुरू होने वाली थी, लेकिन अब ये सुविधा पटना के साथ ही गया और मुजफ्फरपुर में भी शुरू की जाएगी। वायु प्रदूषण के डाटा के अभी से ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर आकलन करना शुरू कर दिया है। अब पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला के निर्माण कार्य के बनने का इंतजार किया जा रहा है। इस वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला में कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध रहेंगी। इस प्रयोगशाला पर 15 करोड़ रुपए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खर्च किए जाएंगे। इस प्रयोगशाला के निर्माण का अभी तक 40% काम पूरा हो चुका है। आज केकेआर और एसआरएच के बीच आईपीएल फाइनल का होगा मुकाबला। आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने आने वाली हैं। दोनों ही टीमों के बीच का ये मुकाबला रविवार यानी आज चेन्नई में देखने को मिलेगा। केकेआर दो बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है, वही राजस्थान रॉयल्स को एक बार इसमें सफलता मिल चुकी है। यदि आंकड़ों को देखें तो केकेआर का पल रहा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ज्यादा भारी है। आज तक दोनों ही टीम के बीच 27 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें केकेआर ने 18 मैच में बाजी मारी थी, वहीं हैदराबाद को 9 बार सफलता मिली है। हालांकि इस बार फाइनल में देखना है कि दोनों में से किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। बिहार के नीतियों के अध्ययन के लिए तमिलनाडु से आए अधिकारी। तमिलनाडु से अपर मुख्य सचिव एस के प्रभार के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने प्राधिकरण का दौरा किया है। एस के प्रभार का ये दौरा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों को जानने और उसके अध्ययन के लिए था। यहाँ आने के बाद उन्होंने कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य की आपदा प्रबंधन नीतियों को तमिलनाडु में लागू करेंगे। तमिलनाडु के अधिकारी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नीतीश पिंडित मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम, सामुदायिक स्वयं सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम, भूकंप रोधी घर निर्माण के लिए राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिव्यांग आपदा सुरक्षा कार्यक्रम, अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अकीरा मियावाकी तकनीक सहित ARVR तकनीक के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी पाकर काफी प्रसन्न हुए। हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना का राज्य सरकार करेगी समीक्षा। राज्य सरकार ने हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई थी। राज्य सरकार अब इस बात की समीक्षा करेगी कि ये योजना धरातल पर कहां तक पहुंच पाई है। इस बात का निर्णय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना को लेकर आगे की क्या रणनीति है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इस योजना को 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 31 मई तक विभाग इस योजना से जुड़े तमाम विभागों को अद्यतन रिपोर्ट देने की बात कही गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजा राधिका रमन सिंह के बारे में। ये पेशे से एक हिंदी साहित्यकार थे। इनका जन्म बिहार के शाहबाद में 10 सितंबर वर्ष 1890 में हुआ था। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना चुम्बन चाटा रही है। राजा राधिका रमन हिंदी कथा साहित्य में शैली सम्राट के रूप में याद किए जाते हैं। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार रहे। हिंदी साहित्य में इन्होंने कई दशक तक अपनी सेवा दी। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में गांधी टोपी, नारी एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, वहीं उपन्यास में राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार आदि शामिल है। बुजुर्गों और महिलाओं को भारतीय रेलवे देता है ये सुविधा। भारतीय रेलवे हमारी यात्रा के लिए सबसे सुगम और आरामदायक साधन है। देश के हर एक छोटे से छोटे कोने में भी आज भारतीय रेलवे अपनी जगह बना चुका है, जिसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी आज करोड़ों में है। भारतीय रेलवे अपने इन यात्रियों का खास ख्याल भी रखता है। भारतीय रेलवे बुजुर्गों और महिलाओं के लिए खास सुविधाएँ प्रदान करती है। ऐसी सुविधा के तहत बुजुर्ग यात्री ट्रेन में अपने लिए नीचे की सीट को बुक कर सकते हैं, ताकि बुजुर्गों को सफर के दौरान किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं 45 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए भी ट्रेन में नीचे की सीट बुक करने की सुविधा दी जाती है। पाटलिपुत्र में नामांकन के लिए भरी आवेदन की अंतिम तारीख। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 4 जून कर दिया गया है। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मई थी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 1,20,000 सीटें हैं और अब तक 1,10,000 बच्चे आवेदन कर चुके हैं। आवेदन किए गए बच्चों की 6 जून को पहली मेधा सूची जारी की जाएगी, फिर 13 जून तक बच्चों के नामांकन लिए जाएंगे। साथ ही 4 जुलाई से कक्षाएं संचालित हो जाएंगी।
रेमल चक्रवर्ती तूफान का बिहार में भी हो सकता है असर। बंगाल की खाड़ी में रेमल चक्रवर्ती तूफान उठा है जो बांग्लादेश और गंगीय पश्चिम बंगाल की तट से 26 मई को टकराने वाला है, जिसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में एक या दो स्थानों पर उष्ण दिवस की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और कुछ जगहों पर 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। मछुआरों ने कोसी नदी से 125 किलोग्राम की मछली को पकड़ा। मछुआरों ने सुपौल में 125 किलोग्राम की बघायर मछली कोसी नदी से पकड़ी है। ये मछुआरे सरायगढ़ भपटियाही इलाके के थे। मछुआरों ने बताया कि मछली पकड़ने के दौरान नदी थाना क्षेत्र के बरहारा से सोनी छींट पर महाजाल में बघायर मछली पकड़ा गया है। इसका सरायगढ़ स्थित NH-57 किनारे धर्म कांटा पर वजन कराया गया है। इसके बाद भपटियाही मछली हाट में बिक्री के लिए रखा गया है। ये मछली बाजारों में 300 रुपये प्रति किलोग्राम में बिकती है। सीतामढ़ी जिले के 28 शिक्षकों का कटा वेतन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सीतामढ़ी जिले में अनुपस्थित रहने वाले 28 शिक्षकों के एक दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी शिक्षकों के स्पष्टीकरण की मांग की गई है। आपको बता दें कि सभी शिक्षक स्कूल में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने के कारण इन पर ये कार्रवाई की जा रही है। इन सभी शिक्षकों की अनुपस्थिति का पता निरीक्षण के दौरान लगा। इन बैंकों ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट। आज के समय में बैंकिंग क्षेत्र अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। डिजिटल होते ही जमाने में सतर्कता के साथ काम करना बेहद ही जरूरी है। बैंकिंग लेनदेन जितना आसान हो चुका है उतना ही ये रिस्की भी है। साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने के लिए बैंक भी अपने ग्राहकों को अलर्ट करते रहते हैं। अब इसी कड़ी में SBI, PNB, ICICI और एक्सिस बैंक ने अपने बैंक ग्राहकों को चेतावनी दी, जहां इन बैंकों ने कहा है कि मोबाइल फोन पर भेजे गए अनावश्यक संदेशों और लिंक पर क्लिक ना करें। OTP, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन नंबर आदि किसी को भी नहीं देने की बात कही गई है। साथ ही अनजान ऐप्स पर ना जाने और इन्हें इंस्टॉल नहीं करने की बात कही गई है। क्या आप कभी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र के पर्व का दिखा उत्साह। 100 साल के दंपति ठेले से पहुंचे मतदान केंद्र। भारत में चुनाव को लोकतंत्र के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। युवा से लेकर बुजुर्ग सभी इसके लिए काफी उत्साहित नजर आते हैं। अब इसी कड़ी में एक और बुजुर्ग दंपति का उदाहरण सामने आया है। दरअसल वैशाली लोकसभा क्षेत्र के गुरौल में 100 साल की दंपति मतदान बूथ पर आए। उनके परिजनों ने बताया कि वे लगभग एक सप्ताह से मतदान करने की बात कर रहे थे, लेकिन वे मतदान बूथ तक जाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें ठेले से लाया गया। उन्हें ले जाने के बाद बैंड बाजा तक की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान वोट देने आए बुजुर्ग दंपति में से एक मुन्नी देवी ने कहा कि वोट गिराने आए हैं, काफी अच्छा लग रहा है, जो अच्छा नेता होगा उसे मतदान करेंगे। वही उनके पति जगदी राम अधिक बोल नहीं पाते हैं, बावजूद इसके मतदान को लेकर दोनों में ही काफी उत्साह देखा गया। बक्सर वासियों का पीएम मोदी ने भोजपुरी में किया अभिवादन। बीते ही दिन पीएम मोदी अपने चुनावी सभा को संबोधित करने बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने बक्सर वासियों को भोजपुरी में अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा, हम अपने बक्सर के लोगन के प्रणाम करत बानी, रउआ सभे अपन समर्थन देम ना। पीएम मोदी के भोजपुरी में समर्थन को देखकर वहां मौजूद सभी कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आए। आगे पीएम मोदी ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई है। पीएम मोदी ने बक्सर में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि 4 जून को मनेर की लड्डू बटेंगे, पूरे देश का मुंह मीठा होगा। प्रधानमंत्री के मुजरा करने वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री के इंडिया गठबंधन को मुजरा करने वाला बयान दिया था, जिसके बाद सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री के मुजरा करने वाले इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी की भाषा का स्तर गिरता ही जा रहा है। ऐसी भाषा उनके विरोधियों को तो छोड़ो, समर्थकों को भी काफी अच्छी लग रही है। तेजस्वी यादव ने आगे मुस्लिम आरक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि गुजरात में 25 मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। मोदी 13 साल तक वहां के मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्हें ये बात पता नहीं है? इस पर वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुस्लिम आरक्षण पर नीतीश कुमार का बयान। आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव का मुद्दा मुस्लिम आरक्षण का बनता जा रहा है।
एक तरफ जहां विपक्षी पार्टी मुस्लिम आरक्षण देने की बात कर रही है, वहीं सत्ताधारी पार्टी से समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि लालू यादव ने अब तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार में आते ही हमने हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के लिए काम करवाया है। पहले हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, लेकिन आज हमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को खत्म करवा दिया है। पटना पहुंचे ओवैसी ने पीएम मोदी को लेकर कही ये बात। बीते शनिवार को AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पटना आए थे। यहां उन्होंने पाटलिपुत्र सीट से अपने उम्मीदवार के लिए वोट अपील की। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ना बने। वहीं अमित शाह के मुस्लिम आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो तो सबका ही आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये सब उनके इरादे हैं। तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 26 मई वर्ष 1999 में इसरो ने भारत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। आज के दिन सौरभ गांगुली ने और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 318 रन की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत और जर्मनी के मध्य रक्षा समझौता संपन्न हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारतीय स्टेट बैंक ने फसल ऋण बीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BS चौहान और न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने शादी किए बगैर एक साथ रहने वाले प्रेमी युगलों की संतानों को भी अपने माँ बाप की तरफ से अर्जित संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार स्वीकार किया था। साथ ही न्यायालय ने उन्हें परंपरागत पैतृक संपत्ति पर उनके अधिकारों को अस्वीकार किया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में। KL ऑनलाइन स्टडी नाम के एक YouTube चैनल के थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक परिवार एक नौकरी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देश के सभी परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। गूगल पे यूजर्स को जल्द मिलेगा ये कमाल का फीचर। गूगल पे का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल गूगल पे अपने यूजर्स के लिए एक शानदार फीचर लेकर आने वाला है। इस नए फीचर का नाम है बाय नाउ पे लेटर। इस नए फीचर के जरिए आपके बैंक अकाउंट से बिना पैसे कटवाए ही पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा और आपने जो पैसे खर्च किए हैं उसे तुरंत वापस करने की जरूरत भी नहीं होगी। आप इन खर्च किए गए पैसों को आराम से इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि गूगल पे का ये फीचर क्रेडिट कार्ड की तरह है। इस फीचर के आने से गूगल पे इस्तेमाल करने वालों को काफी सुविधा मिलने वाली है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत की एकता भया ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है कांस्य, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर स्वर्ण। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर अमेरिका। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर असम। बिहार के किस जिले में आद्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है अररिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर इनमें से सभी। बिहार में कहां विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण है? ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है कटिहार, ऑप्शन डी है कटिहार। इसका सही उत्तर है भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है आयुष राज, विकास दास, मोहम्मद, कृष्णा प्रसाद, मंटू यादव, मृत्युंजय कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, सादुल्ला बालवी, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद जाकिर हुसैन, विश्वनाथ कुमार, नन्नू गोलू कुमार, सीता देवी, रंजित मिश्रा, वेद प्रकाश,
अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक आज होने वाले फाइनल आईपीएल मैच में केकेआर और एसआरएच के बीच किसका पलड़ा भारी हो सकता है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।